वैसे अगर आपको दांत वगैरह बिठाना है तो मेरे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी, आज मैं जो रेसिपी खाने के लिए दांत होते हैं ना उसकी रिपेयर के लिए आई हूँ, हॉस्पिटल आई हूँ डेंटिस्ट के पास। ये जो खिड़की है ना इसको बंद करेंगे, चलिए अंदर चलते हैं हॉस्पिटल में। इजी है, मतलब मेरा नंबर सेकंड लगेगा। मैंने ये दो दांत भी है ना आप देख सकते हैं कैप बटवाए हैं, उसके लिए भी मैंने रूट कैनल किया था तो तब उन्होंने बताया था कि दो हैं बोलकर, मतलब आपका थोड़ा सा अलग केस है, नॉर्मली एक होता है तो आपके दो हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने वो अंदर जो सुई डालते हैं ना रूट कैनल के बाद, शायद तीन डाले हैं या नीचे में, तो ये भी मतलब रूट कैनल करने के 9 महीने के बाद फिर से इसमें इन्फेक्शन हो गया था तो वापस से मैंने इसे और दोबारा रूट कैनल किया है। अभी थोड़ा ठीक है, अगर हमारे नेचुरल दांत निकल जाते हैं तो दांतों को बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अगर मेरे जैसा केस हो तो फिर तो परेशानी ही परेशानी है। फिर अब ये जो ऊपर के दांत है, मेरे डॉक्टर का कहना है कि यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम ही है क्योंकि 3 बार हमने रूट कैनल किया तभी भी मेरे दांतों का दर्द कम नहीं हुआ। वैसे दांत मेरे साबित थे, बहुत अच्छे थे, ऐसा काला कीड़ वगैरह नहीं लगा था, पर हल्का पेन था उसमें, खाते नहीं जमता था। फिर 3 बार कराने के बाद में भी वो सही से नहीं हुआ तो फिर फाइनल हो गया दांत निकालने का। फिर दांत निकालने के बाद कोरोना चालू हो गया और ऐसे बोलकर अब लगभग 2 साल हो गए हैं मैं दांत निकाल कर। तो अभी पिछले महीने आई थी तो फिर अभी शायद नागपुर से सर्जन बुलाए हैं, अभी ये दांत का क्या होगा देखेंगे, अभी एक्सरे को भेजेंगे क्योंकि ऊपर का जो अपना दांतों का सेट होता है ना उसका एक्सरे करवाते हैं, अभी शायद उसके अंदर स्क्रू वगैरह बिठाएंगे, पता नहीं क्या प्रोसेस है। ये मेरे डॉक्टर साहब है, आपको लूँ मेरे वीडियो में? बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया। अभी जो मेरा ये करेंगे उनको कहाँ से बुलाए हैं आप? नागपुर, नागपुर। उनकी क्या डिग्री है? MDS, ओरल सर्जरी। और आपकी क्या डिग्री है? आप सुन सकते हैं मेरे व्यूअर्स मेरे डॉक्टर क्या क्या बता रहे हैं। अभी मेरे दांत के साथ आप क्या क्या करेंगे? इम्प्लांट प्लान किया है आपके लिए। हाँ, तो इम्प्लांट और थोड़ा बोन ग्राफ्टिंग भी लगेगा, आपके टाइम से दांत नहीं है आपको। हाँ, तो थोड़ा सा बोन भी रिजॉर्व हो गया है तो वो भी एक एडिशनल प्रोसीजर लगेगा, लेकिन अदरवाइज तो इम्प्लांट से प्रोस्थेसिस और जो जगह बची हुई है उसमें दांत आ जाएंगे, आपका स्माइल भी अच्छा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा हो जाएगा। चलिए फिर, हाँ करवा लेते हैं, मेरा तो लंबा प्रोसेस हो गया। यहाँ पर ये जो मेरे हमेशा के डॉक्टर हैं वो दवाई वगैरह लिख रहे हैं। आपने तो मेरे दोनों डॉक्टरों की बात सुनी, अब कुछ लंबा प्रोसेस हो गया, टाके पड़ेंगे, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर दांत तो बिठवाने हैं ना, अच्छा नहीं लगता ही हंसने में, देखते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा पेन नहीं होगा, अगर ज़्यादा पेन होगा तो वो मुझे इंजेक्शन भी लगा देंगे। और मैं एक्सरे के लिए गई थी आज, वो मैम छुट्टी पर हैं तो वापस से मुझे मंडे जाना पड़ेगा और ये मेरा सारा प्रोसेस फ्राइडे को होगा। देखिए ये मशीन मेरे पूरे सर के आसपास घूम रही थी एक्सरे लेने के लिए, आज मैं मंडे एक्सरे कराने आई हूँ। ये वाला भाग सामने से पूरा घूम रहा था। आज हम लोग यवतमाल जा रहे हैं दांतों का सीटी स्कैन कराने, 2 एक्सरे हो गए हैं, मेरे डॉक्टर का कहना है थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है तो यवतमाल जा रहे हैं, और थोड़े आम के बीज हैं मैंने वो भी ले लिए हैं, तो चलिए यवतमाल चलते हैं। सलीम भाई बीज फेंकने के लिए ऊपर जंगल में जा रहे हैं। क्या है ये?
अभी जो कर रहे हैं ये है अपना पेशन का सीबीसीटी मैक्सिला, जो अपर का आता है उसे मैक्सिला कहा जाता है और जो नीचे का रहता है उसे मैंडिबल कहा जाता है। तो जो अपन ऊपर का ले रहे हैं वो मैक्सिला, उनकी जो क्या प्रॉब्लम है वो अपने को वहाँ से दिख सकती है, इसलिए अपन पेशन का सीटी मैक्सिला कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, पपाया सबको इसमें जी हिलानी नहीं है, आंखें बंद करिए और हिलना नहीं है। आप ठीक है? इसमें रेडनेस दिख रही है, वो टिश्यूज हैं क्या? ये टिश्यू है, कैप लगी हुई है। हाँ ये कैप लगी है उसका, मतलब सभी पता चल जाता है ना इसमें। इसी में इंप्लांट है? हाँ इसी में इंप्लांट है। चलो, ये जो हमारा सेंटर है ये यवतमाल माइंडे चौक में स्टेट बैंक के साइड में, हमारे यहाँ सिटी सिटी सेंटर यवतमाल करके आता है। इसमें हमारे दो फीचर्स है, एक आप ओपीजी कर सकते हैं जो माउथ का फुल ओपीजी रहता है वो, और उसके बाद में दूसरा है आप सिटी भी कर सकते हैं। अब मेरा कौन सा करवाए? आपका क्या है? मैंने मैक्सिला, यानी डॉक्टर जैसे रिकमेंड करते हैं उसकी तरह से हम उसका सीटी स्कैन करके दे सकते हैं। आपने देखा अंदर क्या क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे इयररिंग्स भी निकालने को बोले थे और पीछे का क्लिप भी निकालने को बोले थे, तो मैंने सब निकाला था, अभी प्रोसेस हो गया है और इसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद नागपुर से आएगी, मतलब और शायद 8-10 दिन लग जाएंगे मेरे ये सब प्रोसेस में। अभी ऑलरेडी 1 महीना हो गया है और दांतों का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। चलिए वापस घर चलते हैं। पार्टी साहब को हर टाइम मुझे खिलाने का पिलाने का चालू रहता है, और थोड़ा सा मोटी हुई तो बोलेंगे
रानी वेट बढ़ गया है बोल के, और मैं खाने से मना करूँ तो बोलेंगे तुम खाना बंद कर दी बोल कर। पानी देना। अभी जाते समय भी मुझे जीरा सोडा पिलाए थे और अभी और जीरा सोडा मंगवाए हैं। चलिए मैं जीरा सोडा पीती हूँ। यहाँ पूरा सागवान का ही जंगल है। फाइनली आज दांत बिठाने जाना है, दांत ने इम्प्लांट कर लेने। तीनों रिपोर्ट देखे हैं मेरे डॉक्टर ने, उनका बोलना है बोन बहुत छोटी है तो फिर छोटा इम्प्लांट करेंगे। देखते हैं अब क्या होगा। अभी ये डॉक्टर मेरा इम्प्लांट करेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम बिल्कुल, जो हमने पहले डॉक्टर से मिले थे वो नहीं करेंगे, अब ये नए डॉक्टर हैं ये करेंगे। क्या क्या करेंगे आप इसमें बता दीजिए ना। आज हम लोग प्रीमोलर रीजन में दो इम्प्लांट्स प्लेस करेंगे और छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, थोड़ा पेनलेस और स्वेलिंग लेस करने का कोशिश करेंगे विद योर कोऑपरेशन। इम्प्लांट्स ऑस्टियन इम्प्लांट्स। This is 4x10 size, 4x8.5. These are two instruments which we are going to place today. आँखें खुली रखिए, आँखें खोलेंगे तो पेन नहीं होगा, ठीक है। आँखें बंद करेंगे तो आप आँखें खुली रखिए, आँखें खुली रखेंगे तो पेन नहीं होगा। हो गया, अभी अभी पेन ना होगा, अब जब खत्म हो गया उसके बाद है ना। Thank you.
ये एक्सरे निकाल रहे हैं। टाइटेनियम का इम्प्लांट है जो अभी डॉक्टर साहब बिठाएंगे। कैसे बैठता है, कौन सा भाग अंदर जाता है, कौन सा भाग बाहर? ये जो ग्रीन पोर्शन है ये माउथ के अंदर रहेगा, ग्रे पोर्शन बोन में जाएगा, वो थ्रेडेड पोर्शन बोन में जाएगा। नहीं, स्ट्रेंथ भी आने में होनी चाहिए ना उसमें। अभी ये जो इम्प्लांट है ये अपने मसल्स के अंदर छुप जाएगा या नहीं? अंदर छुपेगा, उसके अंदर ही रहेगा। ऊपर से देखेंगे फिर मसल ही दिखेगी, और फिर जब वो बिठाएंगे टूथ उस समय और मसल कट करना पड़ेगा। ये सॉफ्ट टिश्यू कट करके हम लोग उसको रिमूव करेंगे उसमें से। कितना पेनिट्रेशन कितना हुआ है ये?
दिस इज 10 mm पेनिट्रेशन, पहला 8.5 था, ये 10 10 mm इज सिग्निफिकेंट ना, काफी अच्छा है। इसीलिए तो वेट थोड़ी बड़ी रख रहे हैं, मिलीमीटर का रहते हैं, इसीलिए मैं बता के रख रहा हूँ कि आगे चल के हमें थोड़ा बहुत बोन रफ लग सकता है, अभी नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो एरिया नेचुरल बोन से ही हील हो जाए, कभी कभी मतलब कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, वो होता ही है, ये एग्रीमेंट करता है ना। ये कितना एमएम का है, ये 4x10 डायमीटर इज 4 मिलीमीटर, और आपने ड्रिलिंग कितना मिलीमीटर किए थे, 10 mm 4x10 4 mm का है, हाँ ओके, ये एक होता है 4 मिलीमीटर का ड्रिल होता है, हाँ एंड लेंथ इज 10 मिलीमीटर्स, ओके, और इसका साइज इट इज बिट मोर देन 4, नो नो इट इज एग्जैक्टली 4x10, जिस साइज का इम्प्लांट रहेगा उसी साइज का हमें ड्रिल करना होता है। तो फिर वो ऐसा थ्रेडिंग कैसे बनेगा, अभी फिलहाल थ्रेडिंग नहीं है ना इसमें, हाँ नहीं एक्चुअली इसका टेपर होता है ना, टेपर होने के कारण ये जो डायमीटर है थोड़ा कम होता है, बिट सेंटर में ज़्यादा होता है, मैं भी बस सूचना दे रहा हूँ, बाकी काम हो गया हमारा, ठीक है। तो थ्रेड में नीडल लगा हुआ ही रहता है क्या, हाँ हो गया, हाँ आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो, मैंने बहुत सारे क्लिप्स वापस से काट दिए उसमें से, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने से बन रहा था वो, हर चीज़ मैंने ली थी उसमें, पर दांत बिठाने का प्रोसेस ही इतना लंबा हो गया, फिर मैंने जो काफ़ी सारे बातें वगैरह की थी मैंने वो सब कट कर दी। तो मेरे डॉक्टर का कहना है नीचे एक रूट होती है तो मेरे 2 हैं, और ऊपर भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो के काफ़ी लंबा प्रोसेस चल रहा है मेरा, अभी तो उन्होंने ऊपर आम जुबान में बोलूँ तो ऊपर किले बिठा दिए हैं, और एक मसूड़े को 2 टाके हैं, शायद 4 टाके डाले हैं, वैसे बहुत फिट एंड फाइन हूँ मैं। जो दांत निकालने के बाद मुझे तकलीफ़ हुई थी
मैं आपको बता नहीं सकती, उतनी ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा थी। उसके सामने ये जो अभी जो प्रोसेस हुआ 5% भी नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। मतलब कट गया है तो तकलीफ तो रहेगी ना, लेकिन जो दांत निकालने की थी उसके सामने ये कुछ नहीं है। और नॉर्मली सभी के 2.5 महीने में दांत बैठ जाते हैं बोलते, पर मेरे दांत 4 महीने के बाद बिठाएंगे। बोन छोटी है, दोबारा से 2 महीने के बाद चेक करेंगे, देखेंगे कि बोन ग्राफ्ट लगेगा या नहीं लगेगा। अगर बोन ग्राफ्ट लगेगा तो वापस से बोन ग्राफ्ट लगा के फिर छोड़ेंगे, फिर 4 महीने के बाद नॉर्मली दांत बैठ जाएंगे मेरे। ये सब तो मेरे साथ हुआ है। वैसे अगर आपको दांत वगैरह बिठाना है तो मेरे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और आपका प्रोसेस जल्दी हो सकता है। मेरे डॉक्टर का मतलब इफ़ एंड बट बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे, अगर हम वो करवाते थे वो ये करवाते तो, इसीलिए उन्होंने पूरा प्रोसेस करवा के मेरे दांतों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैं चाहती थी कि पूरा वीडियो अपलोड करूं, मतलब एक्सरे से लेकर टेस्टिंग से लेकर दांत बिठाने के प्रोसेस तक पूरा अपलोड करना चाहती थी, पर अभी 4 महीने का लंबा ड्यूरेशन हो गया तो अभी तो मैं ये ऑलरेडी 2-2.5 महीनों से ये सारे क्लिप संभाल रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ये अभी अपलोड कर देती हूँ और इसका सेकंड पार्ट पूरा दांत बैठने के बाद वो सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूँगी। अभी मुझे ये करके आज 4th दिन है, आप मुझे देख सकते हैं, फिट हूँ मैं माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांत निकालना ज़्यादा तकलीफ दे था, ये ठीक है। अगर आप भी दांत बिठाना चाहते हैं, जो आपके करीबी हैं जिनके दांत बिठाने हैं, तो आपके लिए ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।